अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं जी, हमारी डव ये बैठी हुई है। माशाल्लाह इसने माशाल्लाह इसने अंडा फिर से उतार दिया। तो मैं अंदर ये डंडी से भेज के आपको इसको उठा के दिखाता हूँ जी, इसके नीचे माशाल्लाह अंडा है। तो मैंने इसने ना कल रात को ही अंडा दिया, तो देखते हैं जी अब आपको मैं दिखा देता हूँ। आप ये ना समझे कि जी अंडा नहीं दिया और बैठी हुई है, तो जानबूझ के बंदा कह रहा हूँ। ये देखे जी आपके सामने नज़र आ गया होगा आपको अंडा। तो माशाल्लाह हमारी डव ने अंडा दे दिया, तो उसको तंग नहीं करूँगा मैं ज़्यादा, क्योंकि आराम से अंडे पे बैठे है, इजीली बैठे है, इसको तंग नहीं करना था। मैंने कहा आपको दिखा देते हैं जी माशाल्लाह। तो हमारी डव अंडे पे बैठी है, इसका पता नहीं अभी ये चार देती है या दो ही देती है, क्योंकि पिछली दफ़ा इसने चार दिए थे, तो इस दफ़ा का कुछ पता नहीं है। तो चलते हैं अब हम कबूतरों की तरफ। मुर्गियाँ देखें ज़रा, वो मुर्गी का काम देखें, वो केज में चली गई है। और आज फिर इसने पानी का मुर्गों ने फेंक दिया, और आज एक तरफ का पानी फेंक दिया गया, और आज दूसरी तरफ जो है ना वो बिल्कुल ठीक है पानी, वहाँ गिरा नहीं पानी, तो यहाँ इन्होंने गिरा दिया। अब इसको इसमें पहले पानी डालेंगे। तो मुर्गी देखें माशाल्लाह, गोल्डन मुर्गी। तो अभी पता नहीं कूड़ा कब होगी, इसके अंडे तो मैंने रखे हुए हैं, तो पता नहीं इसने कूड़ा कब होना है। तो देखते हैं दोस्तों का पता। ये देखें जी, मैंने इसको ये तार सी बांध दी, पाइप सा बांध दिया, ताकि खिंची सके, खिंची जाए और धूप जो है ना हमारे केज पर ना पड़े और गर्मी ना जान। ये देखें ज़रा पानी किस तरह पी नीचे से, वो देखो देखो इसके काम देखें। तो चले दोस्तों, बिना टाइम दे के सबसे पहले इनको डालता हूँ मैं पानी। पानी डालने के बाद ना इनको बंद करते हैं, बंद करके ना तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। मुर्गियाँ मैंने कर दी हैं जी बंद, और अब आपको दिखाते हैं जी अपनी डव। तो देखें जी दोस्तों, माशाल्लाह हमारी डव का केज ये है जी। देखें अंदर डव कितने मज़े से आराम से घूम फिर रही हैं। और यहाँ पर एक खिड़की है, और यहाँ पर एक खिड़की है, ये मैंने खुद माशाल्लाह पिंजरा खुद तैयार किया है। तो कई भाइयों को यकीन नहीं होगा जी, तो मैंने खुद बनाया जी। अब चेक करते हैं जी अंदर चल के क्या सूरत आ रहा है। तो अंदर चल के पहले चेक करते हैं जी कि बेबी पिजन बाकियों के हो किसी के निकले हैं या नहीं निकले। तो चले दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अब हम अंदर। तो दोस्तों कल मेरे ख्याल में यहाँ का यहाँ पे एक बच्चा था, और माशाल्लाह आज मैंने जब आ गए सबसे पहले टाइम पे आके मैंने देखा, तो ये देखें इन्होंने क्या इकट्ठा किया हुआ है। तो देखें जी माशाल्लाह दो बच्चे माशाल्लाह आ चुके हैं इधर फाइनली। इधर एक बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही माशाल्लाह दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बेबी है। तो उसको अच्छी खासी माँ बाप ने इसके फीड कराई हुई है। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह दो बेबीज हैं, इनकी भी फीड अच्छी हुई है। यहाँ पे एक बच्चा जो इन्हीं का ही है, वो ढीला हुआ पड़ा, उसको हैंड फीड मैं करवाता हूँ। और अब बारी है दोस्तों यहाँ की, माशाल्लाह कुछ दिनों की सिर्फ बात है। अब मेरे हिसाब से यहाँ तक अभी तक इनके अंडे टूटने भी नहीं शुरू हुए, तो पता नहीं क्या मसला है जी, अभी तक टूटे नहीं। ये भी नहीं टूटा अभी भी, हाँ जी ये भी नहीं टूटा अभी। इनके होंगे दो चार दिन पड़े होंगे। तो दोस्तों आपके सामने ये जो माशाल्लाह हमारे डब बेबीज़ काफ़ी माशाल्लाह निकले हुए हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे दो ब्लैक से बच्चे हैं, तो माशाल्लाह ये भी बड़े प्यारे हैं। तो यहाँ पे मुर्गी के अंडे पे ये बैठा है। तो आज देखते हैं जी आज क्या सीन है जी, इसके अंडे में जो बच्चा है वो कहाँ तक बना। ये देखें दोस्तों फाइनली अंडे में बच्चा बनना शुरू हो गया है। तो दोस्तों हम इसको ज़्यादा टांगे, ये देखें दोस्तों रेड रेड सा आपको ब्लड लाइन नज़र आ, ब्लड लाइन ही इसमें ना खून सा बनना शुरू, मतलब कि ब्लड बनना शुरू हो गया। तो इसका मतलब यही है कि जी बच्चा अंदर बन रहा है उसके। तो जी आपके सामने ये जी माशाल्लाह ये अंडे दोनों जो है ना वो ख़राब हुए हैं, येलो येलो से आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये दोनों ही अंडे इसने फिर से ख़राब पता नहीं क्यों कर दिए, मेरे ख्याल से शायद ना ये अंडे फर्टाइल ही नहीं होते। तो दोस्तों आपके सामने ये जी गंदगी कितनी हुई पड़ी है, और अब मैं करता हूँ सबसे पहले सफाई। सफाई करने के बाद फिर ज़रा वीडियो को ना कंटिन्यू करते हैं। फाइनली दोस्तों छत मैंने कर दी है थोड़ी बहुत साफ। अब देखिए जी मैंने पर्दा हटाया तो कितनी प्यारी छत लग रही है। तो ये डंडा भी ख़राब हो गया हमारा नया, इंशाल्लाह इसको मैंने सेट करूँगा दोबारा से जब पिंजरा यहाँ पे तैयार करूँगा। तो चलें दोस्तों बिना टाइम देने निकालते हैं कबूतरों को बाहर निकाल के, फिर मैं जरा ना पानी डालता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं कबूतर को निकाल के। तो फाइनली दोस्तों छत को मैंने कर दिया जी साफ, और ये देखें दोस्तों किसी का कबूतर आ रहा है। ये देखें जरा उसके कबूतर के काम देखें जरा, आ रहा है अपने कबूतर छोड़ते हैं फटाफट। तो दोस्तों ये उड़ा है कबूतर अपने बाहर आ रहे हैं भाई आहिस्ता। अब छेड़ दिया वो आगे की तरफ, वो चले गया काफ़ी। तो दोस्तों अब मैं निकाल रहा हूँ अपने कबूतर बाहर आ रहे हैं हमारे आहिस्ता करके। तो वो कबूतर दोस्तों पीछे चले गए, मैं निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ।
फाइनली दोस्तों अपने मैंने कबूतर सारे बाहर निकाल दिए, वो पता नहीं उस तरफ पीछे की तरफ ही गया है, ये जो ब्लू टंकियाँ लगी हैं इनके पीछे से गायब हो गया, उसके बाद नज़र नहीं आया। तो दोस्तों अपने कबूतर ऊपर बैठे हैं तो इनको ज़रा छेड़ देते हैं, उनको आज उड़ाते हैं ज़रा थोड़ा इनको उड़ा के ना, देखते हैं अगर आया तो फिर ठीक है, नहीं तो उसकी मर्ज़ी। फिर वो तोड़ोगी एक कबूतरी यहाँ से बढ़ाना इनको, ये लें जी तीन गए अपने, लें जी वो भी एक और फीमेल भी उड़ गई है, तीन चार चार एक पाँच, पाँच टोटल कबूतर उड़े हैं ये देखें जी हमारे माशाल्लाह, दो ये और तीन ऊपर। तो दोस्तों मैंने कहा आपको दिखा दें जी कबूतर उड़ते हैं हमारे, उड़ा दिए हैं तो अब मैं रोटी डालता हूँ, ये देखें जी चार ये ऊपर और एक ये, तो मैं इनको रोटी डाल के फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों थोड़ा बहुत उड़ने के बाद ये अभी भी नीचे ही आए हैं, तो दो ऊपर उड़ने शुरू हो गए हमारे जो उड़ते हैं कल हमारे कबूतर, ये सेंटर में दुबारा जो बन रहा है तो इसके पीछे चील पड़ गई, मतलब कि इल पड़ गई थी तो बड़ा उसने तंग किया था, हीरा हार के कबूतर गिर गया था जी हमारी, ये सामने छत पे टंगी कपास फिर इधर से देखे माशाल्लाह सूरज का चमका रहा तो इधर से वापस आया था ये। तो दोस्तों बिना टाइम लगा गया मैं इनको डालता हूँ पहले रोटी, ये देखें ऊपर निकल गई हैं, रोटी डाल के फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों मैं अपने ध्यान रोटी डालने के लिए लगाऊंगा, देखें जरा हमारे कबूतर कितनी ऊंचाई में चले गए हैं। तो चले दोस्तों अब हम करते हैं वीडियो का एंड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।